मेरा तो गेम बजाना पड़े। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों के ऐसे ऐसे तगड़े कांड दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि ये जानवर हैं ही इतने फनी। तो हर बार की तरह हमारी ये वीडियो काफी फनी और मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी फनी क्लिप्स आपसे मिस न हो पाए। दोस्तों शहद खाना किसे पसंद नहीं है, इंसान से लेकर जानवर तक सभी शहद खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन मधुमक्खियों से उनका शहद छीनकर खाना इतना भी आसान नहीं होता, काफी रिस्क उठाना पड़ता है और इसके बाद भी उनका जो हाल होता है वो तो देखने लायक ही होता है। जैसे कि यहाँ ये बंदर जनाब शहद खाने के चक्कर में सीधा मधुमक्खियों के छत्ते पर ही टूट पड़ते हैं और काफी मशक्कत करने के बाद उसे शहद का स्वाद मिल तो जाता है, लेकिन उसके बाद बंदर जनाब का क्या हाल होता है जरा आप भी देखिए। शेरों का शिकार बनने के बाद उस जानवर का बच पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जब किस्मत साथ हो तो पासा पलटने में देर नहीं लगता। जैसे कि यहाँ शेरों के पूरे परिवार ने मिलकर एक मोटे तगड़े भैंसे का शिकार कर लिया था और उसे खाने की तैयारी में लगे हुए थे। सब ये सोचकर मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज तो उन्हें भैंस की दावत उड़ाने का मौका मिलेगा, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ उसके दूसरे दोस्त पहुँच गए, जिनमें से एक बहादुर दोस्त ने आगे बढ़कर शेरों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तो भाई दूसरे भैंसों में भी हिम्मत जाग गई और फिर उन्होंने एक एक करके सभी शेरों की बैंड बजानी शुरू कर दी। कुछ ऐसा ही एक मोमेंट यहाँ भी देखने को मिला जहाँ इन शेरों ने भी मिलकर एक भैंसे का शिकार किया था, लेकिन जब शिकार को खाने की बात आई तो शायद लेग पीस खाने के चक्कर में ये शेर आपस में ही लड़ पड़े, जिसके चलते भैंस को वहाँ से भाग निकलने का मौका मिल गया और वो उठकर चुपचाप वहाँ से निकल भी गई। मार दिया क्या तुम? पता नहीं। नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे, ये मेरा शिकार है। लाओ आटे की गोनी को बाल फेंको। अबे आटे की गोनी किसको बोलता है? आजा बाल फेंको। मेरे साथ ना इंसाफी मत करो बोबड़े भैया। गाड़ी स्टार्ट कर। बाल बाल बच गया रे देवा। भाई साहब इंसान तो इंसान, जानवर भी हमारे साथ भेदभाव करना बखूबी जानते हैं। देखिए जब लड़कियां इंसानों के ऊपर सवार होती हैं, तो ये खतरनाक सांड ऐसे शांत रहते हैं जैसे कि ये कोई दूध देने वाली गाय हो, और जब हमारी बारी आती है तो भाई इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ भी ये जनाब इस सांड के ऊपर बैठकर ट्री की राइडिंग का मजे लेने के लिए बड़े प्यार से उससे रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर देखिए हमारे सांड महाराज इन भाई साहब का क्या बुरा हाल करते हैं। रूम जो का घर में है। हाँ, उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे। अब दोस्तों जरा इस क्लिप को देखिए जहां आपको पिज्जा का खाली बॉक्स दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो पिज्जा था उसे किसी इंसान ने नहीं खाया बल्कि आसमान मुड़ता ये सीगल पूरा का पूरा पिज्जा उठाकर भाग निकला, जिसकी भाई आज तो लॉटरी ही लग गई। Oh my God, who ate the pizza? No way. हे भगवान तेरी लीला परम पार है।